थाने की कड़वा पुलिस ने दिवाली में एक 65 साल की महिला के गले की सोने की चैन छीनकर भागने वाले ईरानी चोर को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पकड़े जाने से 6 अन्य मामलों का खुलासा भी हुआ है। आपको बता दें कि विगत 8 नवंबर को कड़वा पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले विट्ठल मंदिर में दर्शन करने एक वृद्ध महिला जा रही थी कि एक चोर मोटरसाइकिल से उसके गले की चैन छीनकर भाग गया। महिला ने कड़वा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। सीसीटीवी में बिना नंबर प्लेट, बाइक और हेलमेट लगा हुआ आदमी दिखा। पुलिस ने कई जगह चोर को पकड़ने के कई हथकंडे भी अपनाए। अंत में पुलिस की मेहनत रंग लाई। एक सूचना के आधार पर पुलिस ने 21 नवंबर को सुबह 4 बजे दलखन गांव में छापा मारकर मोहम्मद उर्फ सलमान शाह सैयद उर्फ जाफरी नामक ईरानी चोर को गिरफ्तार करके उसके साथी सब्बीर नियामत खान के घर से चोरी का सामान बरामद किया है। आरोपी के पास से 1,50,000 रुपए की बाइक और 4,20,000 की कीमत का 70 ग्राम वजन के गहने बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस ने 6 अन्य आपराधिक मामलों का खुलासा भी किया है। 8 नवंबर 2023 को सुबह 8:20 पर एक 65 वर्षीय महिला का सीनियर सिटीजन महिला के गले में से मोटरसाइकिल पर आकर एक आरोपी ने चेन स्नैच करके वो भाग गया था। सीनियर सिटीजन की कंप्लेन है, वो ध्यान में रखकर सीनियर पीआई और उनकी डिटेक्शन टीम ने बहुत अच्छा प्लानिंग करके एफर्ट्स लेके वो गुनाह डिटेक्ट करने के लिए टीमें रवाना की। पीएसआई भुगे इनकी डिटेक्शन की टीम ने जो घटनास्थल है, घटनास्थल से 80 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग सीसीटीवी कैमरास चेक किए। उसमें पारसिक नगर, खरेगांव टोल नाका, कल्याण फाटा, वड़पे, पड़घा, वाशिन, शाहपुर, खरडी, कसारा, यहाँ तक के रोड पर जितने सीसीटीवी कैमराज है होटल पर वो चेक किए। ह्यूमन इंटेलिजेंस चेक किया, उनके कुछ इन्फॉर्मर्स है उनसे जानकारी ली, लोकल रेसिडेंट्स है उनको पूछताछ की। उसके बाद उनको आरोपी के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने 21/11/2023 को यानी 12 दिन तक वो सर्च करके 12 दिन बाद आरोपी मोहम्मद उर्फ सलमान करीब शाह सैयद उर्फ जाफरी 28 साल का आरोपी है, इसको खरडी तालुका शाहपुर यहाँ से अरेस्ट किया, उसको इंट्रोगेट किया। उसने एक गुने ये क्राइम करते समय चुराई हुई चेन आरोपी शब्बीर नियामत खान 52 वर्ष उम्र का आरोपी है इसको दी, ये बताया, उसको भी अरेस्ट किया। ये दोनों आरोपियों को इंट्रोगेट किया। इंट्रोगेशन में जानकारी मिली आरोपी ने अब तक ये तो गुनाह किया ही, इसके साथ में कलवा पुलिस स्टेशन के टोटल 2 रॉबरी की है, वर्तक नगर की 3 रॉबरी और कासारवड़ोली की 1 रॉबरी उसने की है। इसके बारे में उसने कन्फेशन दिया है और उसमें प्रॉपर्टी भी जब्त की है। टोटल 70 ग्राम के प्रॉपर्टी सोना और 1.5 लाख की पल्सर मोटरसाइकिल इसमें बरामद की है। जो मोटरसाइकिल गुना करते समय उसने नंबर प्लेट नहीं लगाई थी और आरोपी ने हेलमेट भी पहना था, फिर भी आरोपी को अरेस्ट करके प्रॉपर्टी हमने सीज की है। ये आरोपी का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया, आरोपी नंबर 1 मोहम्मद उर्फ सलमान उर्फ जाफरी, इस पर टोटल 14 ऑफेंसेस दाखिल है, ज्यादातर ऑफेंसेस रॉबरी और चोरी के। आरोपी नंबर 2 शब्बीर नियामत खान इसके ऊपर 1 मर्डर का गुनाह दाखिल है इगतपुरी पुलिस स्टेशन का। तो ये आरोपी अभी पुलिस कस्टडी में और भी इन्वेस्टिगेशन शुरू है। ये आरोपियों के ऊपर स्ट्रिक्ट प्रिवेंटिव एक्शन की जाएगी। इनका जो पहले जितने गुनाह है उनमें उनकी बेल कैंसिल करने के लिए हमारी तरफ से कंसर्न कोर्ट को करस्पॉन्डेंस किया जाएगा। सर, गिरफ्तार हुए आरोपी का मोटरसाइकिल किस तरीके से और ऐसे अनेक गुना इनके पर है सर, तो क्या आपके माध्यम से लोगों को क्या आह्वान रहेगा कि जिस तरीके से गोल्ड जो पहनते हैं लोग उनको किस तरीके से पहनना चाहिए और किस तरह सावधान बरतनी चाहिए? आरोपी मोहम्मद उर्फ सलमान उर्फ जाफरी ये अकेला मोटरसाइकिल पे जाके महिला के गले में से चेन स्नैच करके भाग जाता है। ये ऐसे ऑफेंसेस प्रिवेंट करने के लिए सभी को यही सूचना है कि बाहर जाते समय ज्यादा कीमती जेवर गले में ना रखे, अगर रखने भी है तो हमने खबरदारी या एक गले में स्कार्फ रखना या
गले में कोई रुमाल रखना ये या वो हाइड करके रखना ऐसे किया तो फिर वो चेन स्नैचिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है। सर शहर भर के जितने भी इलाके में जो सीसीटीवी फुटेज मांगा अक्सर देखा गया कि बंदे जिसके चलते आरोपियों को गिरफ्तार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो आपके माध्यम से थाने महानगर पालिका या सीपी कार्यालय उनके तरह से कोई सीसीटीवी फुटेज हॉटस्पॉट जोन वहां पे बिठाने की मांग की जाएगी? राइट, ये इसमें दो बातें है। नंबर एक, जो सीसीटीवी है एग्जिस्टिंग सीसीटीवी चालू रखने के लिए, और हम भी हमारी तरफ से चेक करते हैं कहीं पे अगर सीसीटीवी कैमरा बंद है वो शुरू करने के लिए, और कुछ जगहों पे जहाँ पे सीसीटीवी बिठाना जरूरी है उसके लिए हमारी तरफ से महानगर पालिका को कम्युनिकेशन किया गया है। इसके साथ ही जो व्यापारी है उनको भी इम्पोर्टेंट लोकेशंस पे सीसीटीवी बिठाने के लिए हमारी तरफ से आह्वान किया गया है। सभी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं? दोनों आरोपी अरेस्ट है इसमें और पुलिस कस्टडी में। इनके कलवा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।